नसीम साहब को सलाम सलाम पाकिस्तान में हूं का मेजबान साजा गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजा गोरी के साथ। नाज़रीन, आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मसीही कौम की बेटी मुस्कान साबर को इंसाफ मिल गया। आज से 2021 में 30 तारीख को मुस्कान के साथ एक ज्यादती की गई और ज्यादती का निशाना बनाने में जो दरिंदे थे उनको कैफरे किरदार तक 2022 में पहुंचाया गया। ये सारा सफर किस तरह हुआ, मुस्कान बेटी की जो वालिद साहब हैं साबर मसीह, वो मेरे साथ मौजूद है, उनकी वालदा मौजूद है, और ये सफर किस तरह जारी रहा। टीएमजी फाउंडेशन ने इनको शेल्टर होम में रखा और सारे केस को डील किया, जो कि तारिक मसीह गिल साहब की जो चेयरमैन और फाउंडर हैं और उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं मारिया, वो इस केस को डील करती रही हैं। और ये आज हमारे मसीही कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान अदलिया ने उनको इंसाफ दिया और वो जो दरिंदे थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। तीन बंदे थे जिसमें से एक क्रिश्चियन, उसको उम्र कैद की सजा हुई, और दो को ता हयात जो मुसलमान थे जिन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। मैं साबर मसीह से पूछूंगा कि इसके दौरान ये कोर्ट में भी जाते रहे तो क्या आपको थ्रेड होते रहे हैं, और किस तरह आप हिम्मत के साथ खड़े रहे कि मैं इंसाफ लेकर रहूंगा। जी साबर भाई, बताइएगा किस तरह ये वकूवा हुआ था और किस तरह आप कोर्ट भी जाते रहे हैं और इंसाफ के लिए खड़े रहे। जी सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, नेशनल न्यूज़ का, साजिद भाई आपका, तो खुदा यीशु मसीह का शुक्र है कि जिनके वसीला से, क्योंकि मसीह ने कहा है कि कभी भी मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा और कभी मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तो हमारी मसीही कौम बहुत जल्द डर जाती है और बैठ जाते हैं कुछ लोग सुलह के लिए, कुछ पैसे देख के, कुछ खौफ और हिरासत की वजह से। तो मैं सबसे इल्तमास करूंगा कि कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो जो आए दिन हमारी बेटियों के साथ, हमारे बेटों के साथ, अभी बशीर मसीह को जैसे सियालकोट में, हाँ जी, चोरी का वो डाल के, उनको झूठा मुकदमा डाल के तो उनको थाने के अंदर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह बहुत सारे वाकयात हैं बेटियों के भी और बेटों के भी, तो इसके लिए हमारी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा और दलेरी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तो तुम में मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। तो गलियों मोहल्लों में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का वक्त आता है तो हम खामोश हो जाते हैं। हम हमारी कौम क्या खामोश हो जाती है, हमारे लीडर भी खामोश हो जाते हैं। तो हमारी कौम में आपको भी थ्रेड मिलते रहे हैं कोर्ट में जब जाते थे आप? बहुत ज्यादा थ्रेड आते रहे हैं सर, अभी भी आज आखिरी दिन तक मुझे थ्रेड आते रहे हैं कि हमने आपकी टांगे तोड़ देनी है, आपको जान से मार देना है, आपके बच्चों को मार देना है, तो आपने ये सुलहनामा ना लिखा या हमारे बच्चे ऐसे हुए किसी केस में फंसे तो आपको नहीं छोड़ना। तो थ्रेड तो हमें खौफ अभी भी है, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी कि उनको सजा भी मिल गई लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं? जी, सजा के सजा होने से ज्यादा बल्कि थ्रेड ज्यादा हो गए। ठीक है जी, तो क्या आपको पैसों की ऑफर कराते रहे हैं कि सुलह के लिए इतने पैसे ले लेते हैं कि गन पॉइंट पे कहते सुलह कर दो? गन पॉइंट पे सर बहुत ज्यादा, मोहल्ले से भी हम घर छोड़ के इसीलिए जो है ना निकल आए थे, ठीक है, क्योंकि घर में आके ग्रुपों की शक्ल में तो हमें बहुत ज्यादा थ्रेट किया जाता था। फिर मैंने बच्चों को, पहले बच्चों को साइड पे किया, फिर खुद भी मैं जो है ना, हाँ जी, तो उसके बाद फिर आप शेल्टर होम में आ गए, यहाँ तक के घर का जो मालक था उसे भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी उसके कहने पे मुझे धमकी दी कि अगर सुलह ना की तो मैंने हम आपका सारा सामान जला देना घर का। तो मैंने कहा जी आप भी जला दें,
तो खुदावन बेहतर करेगा मैं इस केस में। तो इस तरह हमारे थ्रेड होते रहे हैं। मालिक मकान तक ने भी थ्रेड दिए हैं कि अगर सुलहनामा ना इनके साथ किया तो मैंने आपका सारा सामान जला देना है। तो टीएमई फाउंडेशन आपको यहाँ पे शेल्टर किया जी, तो इंसाफ तक आपको यहाँ तक ले गया ये सफर के लिए जी। उसके बाद मेरा जो है ना फिर एमपी तारगिल के साथ जो हुआ, तो उनके साथ जब उनको मैंने बताया कि ऐसे थ्रेड घर में भी आ रहे हैं, तो वो फिर अपने साथ मेरी फैमिली को लेके आए, बाजी मारिया और एमपी तारगिल साहब। और हमारी कौम में हमें फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसे हमारे जो तारगिल साहब भी हैं, एमपी हैं, चाहे क्योंकि हमारी कौम में एमएनए भी हैं और एमपीए भी हैं, लेकिन वो हमारी कौम के लिए असेंबली हाल में बोलने से पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं या डर जाते हैं या क्या मसला मसाइल है, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही कि वो कौम के लिए बात करते क्यों घबराते हैं। कि जब वो जब तक उनकी अपनी बेटियों के साथ या अपने बेटों के साथ कोई ऐसा मसला नहीं आएगा तो वो कौम की बेटियों को अपना बेटा या बेटी नहीं मानते। तो जब आपको पता है किसी ने कोई परिंदा या जानवर रखा हो तो उसके साथ कितनी मोहब्बत होती है, उसको भी कोई अगर मोहल्लेदार या कोई अगर उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो भी आदमी खड़ा नहीं रहता, खामोश नहीं रहता, ठीक है, बोले बगैर। तो एक अपनी औलाद के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि वो खामोश रहेगा, जो इंसान का अपना जिस्म का हिस्सा होता है चाहे वो बेटा है या बेटी है। तो अपनी मसीही, हमारे मसीही कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं। मसीही कौम को मैं यही कहूंगा कि जब हम दलेरी के साथ आगे आएंगे, जो खौफ के दायरे में हम कायम अभी तक रहते हैं ना, उस दायरे से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर एमपीए भी आपको गिला भी उनसे ताबी कर सकेंगे जब आप खुद खड़े होंगे, ठीक है। और हमारी पुलिस भी ताबी या अदलिया और गिला कर देते हैं हम कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अदलिया गलत है या वो जी अदारे गलत है, अदारे गलत नहीं है, अदारे पाकिस्तान में हमें भी उतने ही हकूक हासिल हैं तो जितने इनको हासिल दूसरी कौमों को। तो इसलिए हमें हकूक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो जब हम खुद ही हक लेना नहीं चाहते तो फिर हमें कौन बोलेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। तो इसी तरह पुलिस में मैं बहुत थच्चा तावन किया, पुलिस में सब इंस्पेक्टर साहब शहर यारबानों ने हमारा बहुत साथ दिया और मेरिट पे फैसला हुआ। समिया असद साहबा जो एडिशनल जज थी उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, और इसमें जो हमारी वकील थी सुमेरा हुसैन साहबा और बाजी मरियम तो कासम डोगर साहब, तो इन सब ने बड़ी मेहनत की। तो बाजी मारिया ने टीएमए फाउंडेशन के तारगिल साहब दिन रात हमारे साथ भागते रहे हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं। तो पूरी कौम का भी शुक्रगुजार हूं जो हर वक्त हमें दुआओं में याद रखती थी। तो बहुत सारे पास्टर साहबान हैं तो जिनकी दुआओं के वसीला से आज हमारी फतह हुई है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हमारा मसीह हमारे साथ है, तो हमें दलेर होकर चलना है कहीं भी रहें। ठीक जी बेटा, आपसे मैं कुछ डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है कि जो सिचुएशन चलती रही है, लेकिन खुदावंद के फजल से हमारी मसीही कौम की बेटी मुस्कान को इंसाफ मिला और जो दरिंदे थे उनको कटहरे में लाया गया और जेलों की सलाखों में डाला गया। तो बेटा, हमारी जो मसीही कौम की जो बेटियाँ हैं जो इंसाफ के लिए पीछे हट जाती हैं, माँ बाप सुलह के हवाले से उनके साथ पैचअप कर लेते हैं, उन बेटियों को कुछ मैसेज देना चाह रही जिस तरह दिलेरी के साथ आप खड़ी रहीं, और उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी फैमिली को समझाएं कि उनको ऐसे सुलह नहीं करनी चाहिए, और अगर वो खड़ी होंगी तो उनकी फैमिली भी खड़ी होगी, अगर वो नहीं खड़ा होना चाहेंगी तो कोई भी नहीं उनके साथ उनका साथ देगा। तो ये बड़ी बात है बेटा, जिस तरह मारिया सलीम जो एडवोकेट हैं वो भी, और उस हवाले से आपने बड़ा महफूज किया अपने आप को इंसाफ के लिए कि मैं इनके साथ इनके शेल्टर में महफूज हूँ, तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? आंटी इस्माइरा ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया, बहुत अच्छे से मुझे रखा और दोस्तों की तरह मेरे साथ रहे, और मारिया दीदी ने भी बहुत अच्छा से तावन किया, साथ दिया और हर टाइम मुझे अपने साथ रखा, मैं सोती भी इनके साथ थी, बहुत केयर की मेरी इन्होंने।
जी हमारे साथ मुस्कान की वालदा भी मौजूद हैं, क्योंकि इस केस में जब केस के अंदर पूरी फैमिली, जब एक बच्चा भी शायद हो उस केस के अंदर, तो पूरी फैमिली के साथ ही वो सिचुएशन चल रही होती है, और जिस तरह थ्रेड इनको मिलते रहे हैं, इनकी फैमिली को मिलते रहे हैं, तो जो मुस्कान की वालदा है वो भी साथ ही थी। तो सिस्टर जी ये बताइएगा कि आप TMD फाउंडेशन के साथ सेंटर में भी रही हैं जी, तो क्या कहना चाह रही हैं आप इस हवाले से? भाई सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ कि आपने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनको हम जो है ना उनसे बात कर सके और उनको बता सके कि मतलब हौसला हमें नहीं हारना चाहिए। तो उसके बाद जिस दिन से हमारे साथ ये वाक्या हुआ, हमारा अपना भाई था एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने हमें MPA तारा गिल का नंबर दिया, हमने उनसे बात की और इन्होंने कहा कि आप मतलब सोच समझ लें, अगर आप खड़े हो सकते हो तो मैं रिक्स लूंगा, नहीं तो नहीं। फिर हमने जो है ना इनको 3-4 दिन में हमने इनको दोबारा कॉल की और हमने कहा कि आप आए, ये हमारे साथ गए। और ये वो वक्त था कि जब अपने भी जो है ना मुंह छुपा के बिल में छुप गए होते हैं। इन्होंने बाप की जगह मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे तसल्ली दी, और हालात काफी ज्यादा वो थ्रेड बहुत ज्यादा कर रहे थे। और इस वक्त जो है ना ये वो मौका और वो टाइम था कि हमारी सोच और समझ से जो है ना हर बात बाहर थी। फिर सबसे पहले तो ये मुझे और मेरी बेटी को इधर लेके आए, उसके 3-4 दिन बाद बाकी की मेरी फैमिली इधर आई, और इन्होंने जिधर मेरे बच्चों को मेरे मामू की जरूरत महसूस हुई ये मामू बने, जिधर ताए की जरूरत हुई ये ताया बन के खड़े हुए, चाचा बन के खड़े हुए, मतलब इन्होंने बड़े पापा की जगह भी मेरे बच्चों को दी। और मुझे इन्होंने कहा, गले लगाया और उन्होंने कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई भी हूँ, बाप भी हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है मेरे दम में मैं साथ दूंगा। तो काफी हौसला अफजाई करते रहे, और इन्होंने इनके सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने हमें हमारी रहनुमाई की, रहबरी की, और हमें वो जो है ना हौसला तसल्लीत मनान देता रहा। हम किसी धमकी से नहीं डरे, यहाँ तक के हॉस्पिटल में जाना, उधर भी ग्रुप की शक्ल में उन्होंने कैरी डिब्बे में मौजूद होते थे, फेस टू फेस भी मेरे सामने ऐसे आके लड़के ने बात की, ठीक है। तो वो भी मैंने सुनी, मैंने इसके पापा को भी बताया, भाई को भी बताया, लेकिन हम जो है ना किसी भी तरह उनके बहकावे में नहीं आए। आप नहीं डरे जी, यहाँ तक के इधर जाना डेट पे, तो खास तौर पे मुझे भाई सबसे ज्यादा मुझे उस क्रिश्चियन बच्चे पे अफसोस हुआ, जब भी मैं देखती थी वो ठट्ठेबाजी उनके साथ मिलके, तो ऐसे जैसे तमाशा नहीं होता, मुझे अफसोस होता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस तरह के यंग बच्चों पे, खास तौर पे कि वो दूसरी कौम के लोगों और लड़कों के साथ मिलके अपनी ही क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहनों बेटियों माओं के साथ इस तरह का काम, घनौना गंदा काम करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह वो लोग अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, खुदा के लिए आप भी शर्म करो और कुछ सबक सीखो। जिनके साथ मिलके ये गंदे गनोने काम करते हो उन्हीं से सबक सीख लो। और बहुत अफसोस होता था मुझे देख के ना। तो बड़ी अच्छी बात की है सिस्टर आपने। मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी मसीह कौम की बच्चियां देख रही हैं, वालदैन देख रहे हैं, अगर हम अपनी बच्चियों के साथ इस तरह गंदे गुनोने काम होते देखेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे, पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज कर लो, पैसा कितने दिन चलता है, हमारी बच्चियों की माओ बहनों की जिंदगी और इज्जत वापस नहीं ला सकता वो पैसा। खुदा के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बिकना झुकना और डरना छोड़ दो। आमीन, आमीन। कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, खुदावंद ही हमारा जो है ना, खुदावंद हमें उठ खड़ा होने की हिम्मत ताकत कुवत बख्शता है। इसी तरह उसने हमारी कदम ब कदम हिफाजत की, निगरानी की, और TMG फाउंडेशन जैसा अदारा हमें मुहैया किया। मतलब एक रास्ता बंद होता है, हजारों खुदा को अगर सामने साथ रख के चलते हो तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं। बाजी मारिया ने हमारी बेटी को माँ बन के भी साथ दिया, बहन बन के भी, उन्होंने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है, और हर तरह से उन्होंने हमारी
गाइड हमें किया और हिफाजत भी की और हमें अभी तक आज तक हम जो है उन्हीं के अदारे में रह रहे हैं। कोई रिश्तेदार, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट हमारे पास नहीं आ रही। और बाकी इस केस में जितनी भी हमारी वकील्स हैं, पुलिस जज हैं, वो सारी लेडीज हैं, एक औरत होते हुए उन्होंने जो है ना हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया। अगर आप माँ बाप बहन भाई झुक जाओगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कौम की माँ बहन बेटी बच्चियों के लिए ये दरिंदगी खत्म होगी। हमें अपनी कौम पे यही चीज का अफसोस होता है कि मत झुको, मत बिको, मत डरो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई साथ दे ना दे, खुदावन जिसने हमें पैदा किया है वो हमारा साथ देता है। आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आपका, और जिस तरह आपकी सारी आवाज हमारी मसीह कौम ने सुनी, यही जज्बा, यही कुवत जो फैमिली, जो मुस्कान की फैमिली है उसमें है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी मसीह कौम की जो बच्चियां जिनके साथ ज्यादती की जाती है और माँ बाप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अगर इसी तरह ही यही जज्बा उनके साथ भी हो, उन फैमिली के साथ भी हो, तो मेरा ख्याल है कि हमारी मसीह कौम को इंसाफ मिलता रहेगा। अपनी पूरी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी की बच्ची की जिंदगी के लिए और आगे की जितनी हमारी जिंदगी इस दुनिया में बाकी है, हमें अपनी दुआओं में रखना और आप भी कुछ सबक सीख लें। ठीक है, तो नाज़रीन मैं आपको टीएमजी फाउंडेशन की जो चेयरमैन है एमपी तारिक गिल साहब, उनसे ही बात करवाता हूँ, और मारिया जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे ही बात करते हैं। तो जिस केस के हवाले से हमने मुस्कान की फैमिली से पूछा और उनको एक जीत मिली, जीत के असल जो पीछे मंजरनामे में लोग थे वो टीएमजी फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी एमपी तारिक गिल साहब और जनरल सेक्रेटरी मारिया सलीम, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जीत की सेलिब्रेशन जो है ये मसीह कौम के लिए है, आपका बड़ा अहम रोल है इस हवाले से। तारिक गिल साहब, पहले तो नेशनल न्यूज की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, और आपने ये अच्छा एक मैसेज हमारी मसीही कौम को दिया कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बच्ची को से ज्यादती होती है और वो केस जब चलते हैं, एनजीओ सामने आती हैं, लेकिन कुछ जब सजा होने की बारी आती है तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और हमारी फैमिलीज उसी तरह पीछे हो जाती हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शुरू करता हूँ जी खुदा यीशु मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है और जिसने अपने लोगों को तकवीयत, हिम्मत और ताकत से नवाजा है। आज मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया इसलिए भी करता हूँ कि उसने मुझे इस लेवल पे इस काबिल करा कि मैं अपनी कौम की गरीब, मुस्तक और बेआसरा, बेसहारा और मजलूम लोगों की आवाज बनूं। मैंने हमेशा जब से मैं पोलिटिकल लाइफ में आया हूँ तो मैं अब कई दफा बता चुका हूँ कि मैं भी एक मजदूर घराने से ताल्लुक रखता हूँ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब मुझे पता चला कि सियालकोट की आबादी मरियम कॉलोनी में एक बच्ची जिसके ऊपर ज्यादती की गई है तो उसका ये मसला हुआ, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग कहने लगे फलां चला गया, फलां चला गया, आप भी जाए। मैंने कहा जाएंगे, कोई बात नहीं, खुदा बेहतर करेगा। वहां पे मैडम शनीला रोथ भी गई थी और उसके बाद फिर मेरी एंट्री हुई। मैं जब गया तो मैंने बच्ची की माँ को जब देखा तो उस बच्ची की माँ जो है ना उसकी आंखों में इस कदर शिद्दत से आंसू बह रहे थे कि वो नाकाबले बर्दाश्त थे मेरी। और मैं और मारिया और हमारी टीम के दूसरे लोग जब उनके घर में बैठे थे तो उसकी माँ जो वावेला कर रही थी कि हम इस मुल्क में कैसे अपने आप को महफूज समझेंगे कि एक मेरी बेटी और वो स्टूडेंट और उसके बाद उसको ले जाकर और उसके साथ ज्यादती, तकरीबन तीन लोग ज्यादती करते हैं और उसके साथ करने के बाद, ज्यादती करने के बाद उन्हीं का भाई कितनी जुआ मर्दी के साथ रिक्शे में बैठा कर उनको उठ के घर पे छोड़ देता। जब ये सारी दास्तान और ये सारी मैंने स्टोरी सुनी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो मैंने इन लोगों को, खसूसन लड़की के वालिद को जिसका नाम साबर मसीह है, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई बैठ जाओ आप, अगर तो आप मेरे साथ स्टैंड करेंगे, अगर आप जुरत के साथ खड़े रहेंगे, अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ये केस आपने लड़ना है। मैंने आपको शेल्टर भी देना खुदा के फजल से और आपकी ताकत बनना है। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने देखा तो ये एक हफ्ते का मैंने टाइम है कि एक हफ्ता सोच के मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ। जब इन्होंने जुमेरात को मुझे बुलाया तो मैं और मारिया और हमारी टीम के दूसरे लोग हमारे साथ गए
तो उसके बाद मैं इन्होंने कहा जी SHO हमारी बात नहीं सुन रहा, मैं थाने में चला गया। जब थाने में गए तो आप यकीन कीजिए साजिद भाई कि उतने उन लोगों की दलीली देखें कि उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया, यानी कि पार्लियामेंटेरियन की गाड़ी को। हाँ जी, वो मेरी गाड़ी के पीछे आए और बड़े डंडे के जोर पे आए और वो कभी हमारे आगे मोटरसाइकिल, कभी पीछे मोटरसाइकिल, कभी यार ये कौन है। इन्होंने कहा जी यही लोग हैं, यही लोग नौजवान लड़के हैं जो हम जब भी निकलते हैं घर से तो हमें टिचकरें करते हैं, मजाक करते हैं, यहाँ तक कि हमें बाजुओं से पकड़ के छेड़ के निकलते हैं। तो ये कहते हैं कि जो कुछ करना आप कर ले, हम निपट लेंगे, क्योंकि वो इलाके के बड़े बदमाश किस्म के और गुंडा किस्म के, वो लतीफ और काका जो उसका गैंग था वहां पे, जो गरीब लोगों को तंग करता था, गरीब की बच्चियों को तंग करता था, ये पूरा का पूरा इलाका जो उससे परेशान था। मैंने कहा अच्छा, मैंने जाकर SHO से बात की, मैंने कहा भाई आप लोग कहते हो ये हो गया वो हो गया, तो फलाफ फलाम लड़के अभी बाहर खड़े हैं उनको पकड़े। उन्होंने एकदम IO बहुत अच्छी है, IO जो है ना हमारी शहरी अरबानो, जिसने केस का पूरा डिटेल बनाई और जिसने स्ट्रॉन्ग केस मेरिट के मुताबिक जिसने उसकी जिमनी लिखी है, आप यकीन करें कि उसको जब मैंने कहा फौरन कहा कि अपने पुलिस वालों को कि फौरन उनको पकड़े भाई, वो बाहर खड़े थे वो मोटरसाइकिलों के ऊपर हाथ रख के टांगे लगाए, 8-10 लोग थे लड़के वो खड़े थे, तो गई पुलिस, उसने 10-12 लोगों में से 2 लोगों को पकड़ लिया, आते ही उनकी चित्रोल हुई, बाकी भाग गए। लेकिन जब चित्रोल होने के बाद हम गाड़ी में बैठ के वापस लाहौर की तरफ इनको लेके मैं मूव करने लगा इसी डर से, क्योंकि इनको थ्रेट था, ये लोग तंग करते। हमने थाने में बैठ के सलाह कर लिया दोनों मियाँ बीवी ने, हम आपके साथ ये हमारे साथ चल पड़े। जब वहां से आए तो आप यकीन करें कि इंटरचेंज जो सियालकोट वाला इंटरचेंज है ना, वहां तक उन लोगों ने हमारा पीछा किया, कभी गाड़ियां मोटरसाइकिल आगे, कभी पीछे, ये हो गया वो हो गया। तो एक यहाँ तक कि एक आदमी, एक और दो तीन मोटरसाइकिलों वाले लड़के थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर था, वो हमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा के दिखाते रहे। हमने भी कहा खुदा यीशु नासी से मैंने बात की कि आज यहाँ फिर है नहीं तो यहाँ फिर यही है नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर दुआ करनी शुरू कर दी, मारिया भी दुआ करी, ये भाई साबर भी, इसकी मिसिस भी, इसकी बेटी भी दुआ कर रही, हम आंखों में आंसू लेकर दुआ करते करते हम जा रहे। जब इंटरचेंज क्रॉस के, चूंकि वो मोटर बाइक पे थे इसलिए वो एंट्री नहीं हो सकी, हमने फिर खुदा का शुक्र किया, हमारी भाड़ हमारी पैरवी और हमारी रहनमाई जो है ना वो रूल कुसने की, खुदा यीशु मसीह ने की, और इस तरीके से वो हमें बाफाजत लाहौर में लिया। जब लाहौर में, उसके बाद मैंने इनको उधर नहीं जाने दिया, हमने फिर केस लड़ा और आपके पास रिजल्ट आ गया कि बकाया जो केस की जो सजाएं हुई हैं, केस जब लड़ा उसके बाद मैं चाहता हूं। थ्रेट की अगर बात करते हैं तो जिस तरह आप वहां पर कोर्ट में भी जाते रहे तो वहां पर भी वो इस तरह वो आते रहते हैं। मैं भी जाता था, लेकिन साबर के साथ तो लड़ाई झगड़ा भी करना चाहते थे, कभी मारिया को थ्रेट, कभी मुझे, कभी इसको, कभी इसकी बीवी को फोन पे। मैंने एक ही बात उनकी, यार अगर तेरे मेरे पेट में गोली आ सकती है, तेरा पेट को लोहे का नहीं है, तू आ जा सामने, जो भी कर लेते हैं बात। तो इस तरीके से मैं भी उनको जब बात करता, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वहां पे मुकामी पास्टर्स भी डरे हुए थे, वहां पे मुकामी पॉलिटिशियन भी डरे हुए थे और मुझे फोन कर रहे थे, गिल साहब ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, ये बहुत कंटूट आदमी है, ये करेगा वो करेगा, आप इसे इसके साथ सुलह करवा दें। मैंने कहा सुलह नहीं होगी, अब हम केस लड़ेंगे, अब केस लड़के हमने बताना है कि मसीही कौम को इंसाफ मिलता है मगर जुरत के साथ मिलता है। अगर अपने राइट के लिए खड़े होते हो तब इंसाफ मिलता है, अगर आप किसी का हक लेना है तो फिर उसके हक के लिए आपको लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, कुव्वत और हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करें। लेकिन देखा जाए तो अगर जिस तरह हमारी मसीही कौम के जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, अगर उनकी फैमिली डर के बगैर अगर खड़ी होती है तो उसके लिए तो लीडर भी चाहिए ना, जो आप जैसे लीडर देखें, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे कई दफा कई लोगों ने बुलाया और मैं बस्तियों में कई दफा फायरिंग हुई, कई दफा किया, यहाँ पे क्या उसका नाम है बंद रोड पे एक आबादी पे गुंडों ने फायरिंग की, मैं वो पास्टर नईम नासिर साहब है, उनके भाई का चर्च था, आप उन्हें पूछे मैंने कितनी जुरत के साथ, मैं क्या नाम था उनका, अदनान, पास्टर अदनान थे, उनको पूछे मैंने कितनी जुरत के साथ पूरे इलाके को मोटिवेट किया लोग में। वहां पे एक ऐसा शख्स था जख्मी था, उसने कहा जी मैं नहीं इसके आपके साथ चलता, चलो ये करें वो करें, और उसने इतना जबरदस्त तरीके से उसने मेरी भी इंसल्ट की, लोगों की भी इंसल्ट की, तो मैं फिर उधर से निकल आया। और बाद में क्या हुआ जी, उस लड़के ने उस आदमी ने पैसे लेके सुलह कर ली,
तो जब इस तरह की बातें होती है ना उस वक्त हम परेशान होते हैं। हम लीडर कभी नहीं डरता। जिसने अच्छी माँ का दूध पिया, जो लीडर पैसे कमाने के लिए आया ना वो डरेगा, वो बुज़दल होगा, उसको पैसे चाहिए, उसको अपनी औलाद का मुस्तकबिल चाहिए। और जो लीडर होता है उसको लीडर नहीं कहते, वो नुमाइंदा होता है। नुमाइंदे में और लीडर में फ़र्क होता है। लीडर जो है ना वो कौम का सोचता है और नुमाइंदा अपने आप का सोचता है। तो मैं अपने आप को लीडर तो नहीं कहता, मैं तो लीडर की शायद जूती के तस्मे के बराबर भी ना होऊंगा, लेकिन मेरे अंदर खुदावंद ने जो हिम्मत और जुरत और इनकलाबी सोच रखी है ना उसके साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि लीडर के लिए ये लाजमी है कि वो अपने आप को बचाए और अपनी कौम को भी बचाए। ये नहीं है कि काम किसी का हुआ जी, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, ये नहीं करना, काम करके दिखाओ। और हमने अपनी पूरी जोर और ताकत के साथ इस काम को पाया तक मिल तक पहुंचाया। और आज मैं कहूंगा कि बाकी बात मारिया करें, क्योंकि ये सारे केस की जो जड़ है ना, ये सारे केस का जो मूड होता है, बुनियाद होती है, ये मैं कहूंगा कि मारिया को इसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। और मारिया इज़ अ वेरी ब्रेव वूमेन, मैं ये कहूँगा, बड़ी बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर औरत है। इसने जिस तरीके से इस केस में मुझे मोटिवेट किया, मैं कहूँगा ये मुझे मोटिवेट कर, मैं हिम्मत हार जाता था, मैं कभी कभी कहता यार मैं क्या करूँ, छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं घबरा जाता, लेकिन मारिया मुझे हिम्मत देती रही, मुझे ताकत देती रही, मुझे कहती रही कि सर आप प्लीज़ ऐसे ना करें, गरीब लोग हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं, जो इन्होंने जो जुर्म किया उसकी सज़ा इनको मिलेगी, अब बेफिक्र। ये मुझे मोटिवेट करती रही, बहादुरी दहाती रही। और जब इसको पता है कि भाई आज इतने पैसों की ज़रूरत है, ये मुझे कहती मुझे नहीं पता, मुझे पैसे, मैं किसी की मैंने जेब से निकाले हैं, किसी के मुँह से बात की है, किसी से कुछ किया, मैंने हाथ जोड़े हैं, मैंने पांव पकड़े हैं, मैंने लोगों के, मैंने इस केस के लिए ना इसको बनिया इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए यही हिम्मत की है कि मुझे मारिया ने पूरी हिम्मत दी है और इसने पूरी ताकत के साथ मुझे कहा। तो मैं कहूंगा कि मारिया केस के तअल्लुक से ये बताए कि केस के अंदर किस किस को सज़ा हुई, कितनी कितनी हुई और हमने कैसे किया। तो मैं मारिया आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस पब्लिक के सामने जो सुन रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मारिया के लिए दुआ करें कि खुदावंद यीशु नासरी इस और वुमेन को, इस लड़की को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इस जगह पर जहाँ पे बैठी हैं और भी जो केसेस हैं उनके लिए ये आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा कौम की आवाज़ बनी। आपका टीवी चैनल जो नेशनल न्यूज़ है, मैं इसको डबल सैल्यूट करता हूँ। यानी जेन्युइन गल, यकीन करो कि भाई इस तरीके से आप लोगों की रहनमाई करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, तो आपकी इस नेशनल न्यूज़ की वजह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती होती है वो बहुत कम हो गई है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर जुल्म करने वाले इंसान को मेरे सामने लाते हैं और उस जालिम के साथ मुझे टक्कर लेने पे मजबूर करते हैं। आप मुझे जब रात को 2-2 बजे तक जगाते हैं कि गिल साहब यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, तो मैं भी आपका तो साथ देता हूँ, लेकिन ये मैं आपकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ। खुदा आपके साथ हो और आपके ऑनर को, जो आपके सीईओ हैं, जो आपके सीईओ हैं, जो इनके ऑनर हैं, जो चेयरमैन हैं इस नेशनल न्यूज़ के, मैं उनको भी कहता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन साजिद और तारिक आपकी अच्छी जोड़ी है। तारिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो तारिक कैमरामैन, वो और साजिद दोनों आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं। इनको और ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जुर्रत के साथ ये आगे बढ़ें और नेशनल न्यूज़ को 4 चांद लग जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने मौका दिया। और नाजरीन, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की अदलिया ने हमारी मसीही कौम की बेटी को इंसाफ किया और इस इंसाफ के पीछे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है एमपी के तारिक गिल साहब की टीएमजी फाउंडेशन जो है वो उन्होंने बड़ा साथ दिया। और मैं मारिया से पूछूंगा, जो इनकी जनरल सेक्रेटरी है, मैं इनसे पूछूंगा, मारिया ये बताइएगा कि जिस तरह तारिक गिल साहब ने सारी डिटेल बता दी, तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको सजा भी हुई, कहाँ तक हुई? सबसे पहले सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और थैंक यू साजिद भाई, एक बार फिर से आप टीएमजी फाउंडेशन की आवाज़ बन रहे हैं और हमारे इस कॉज को जो हम लेके चल रहे हैं इसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें कितने लोगों को सज़ा हुई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये केस चला कितने दिन है। ये वकूवा जब पेश आया तो तब ये मार्च 30 का ये वाक्या है और 2021 बिल्कुल मार्च 30, 2021 तब। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब थाने में जाते रहे, ये तकरीबन कोई इस वाक्य के कोई 10 दिन के बाद हम लोग जो है ना
वो साबर भाई के साथ हमारी जो है वो बातचीत शुरू हो गई थी, तो हम इस केस में सियालकोट आना जाना और फिर थाने से जितनी भी क्लियरेंस थी, जो चीज़ें थी शुरू की, जितनी भी जैसे कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो गई और ये वो बाकी के जितने भी पेपर वर्क था वो सारे हम उसमें भी इनके साथ जाते रहे हैं स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए। फिर जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में भी हम गाहे बगाहे जो है कभी वो लोग अपनी बेल्स के लिए इधर हाईकोर्ट में आ जाते थे, फिर हम लोग हाईकोर्ट में अपेयर होते रहे हैं, हमारे वकील हाईकोर्ट में ज़्यादातर जो हैं वो हमारी एडवोकेट हैं मरियम आयशा, वो अपेयर होती रही हैं, एडवोकेट सुमैरा हुसैन अपेयर होती रही हैं। फिर उसके बाद उधर जब इनकी बेल्स लगती रही हैं तब भी सुमैरा और मरियम जो हैं वो वहाँ पे जाती रही हैं। फिर उसके बाद जब ये इसका प्रॉपर ट्रायल चलना शुरू हुआ है तो ट्रायल में जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो एडवोकेट जो हैं सरदार कासम डोगर, चूँकि बाजी सुमैरा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी तो फिर उन्होंने कासम साहब की ड्यूटी लगा दी, फिर कासम साहब हमारे साथ जो वो जाते रहे हैं। तो इसमें हम लोग ना कोर्ट में भी मैक्सिमम कोई जो है वो सियालकोट कोर्ट में हम मैक्सिमम कोई 50 दफा अपेयर हुए हैं और उसके बाद जो है वो 50 एक अलग से और इसके बाद अभी ये कोई तकरीबन 40 या 45 दिन जो है वो हम लोग मुसलसल डे टू डे कोर्ट में अपेयर हुए हैं। जब ये कोर्ट जब ये केस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन केस बना उसमें एडवोकेट सुमैरा हुसैन ने हमारी बड़ी मदद की, उन्होंने इसको हाई कोर्ट में मतलब इसके लिए उन्होंने इस केस को वो सामने लेके आई हैं डिफरेंट वेज से, क्योंकि वो दरमियान में एडवोकेट असिस्टेंट जनरल भी रही हैं तो उसी अपने उस टेन्योर के दौरान उन्होंने इस केस को जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट किया और फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन केस बन गया और उसमें ये था कि हमारा वो लास्ट के जो डेज थे वो हम डे टू डे वहाँ पे 45 डेज ऑलमोस्ट जो हैं हम लोग अपेयर हुए हैं डे टू डे कोर्ट में। तो इसमें जो आपने पूछा मेरे से कि सजाएँ कितने लोगों को हुई हैं, तो इसमें 3 लोगों को सजाएँ हुई हैं, 2 लोग जो हैं उनको सजा हुई है 365B में अगवा के लिए, उसमें एक क्रिश्चियन लड़का है एक मुस्लिम लड़का है लतीफ, और लतीफ को डबल सजा हुई है, एक अगवा में भी उसको सजा हुई है, दूसरा उसको रेप में भी सजा हुई है। और उसके बाद दूसरा 2 लोगों को ताहयात जो है वो उम्र कैद हुई है, और जो क्रिश्चियन लड़का है उसको भी उम्र कैद हुई है 365B में, और 2 बाकी के जो 2 हैं उनको 375A में जो है वो सजाएं हुई हैं, तो साथ में उनको जुर्माने भी हुए हैं। और मैं इस मौके पे बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी आईओ को नहीं भूलूंगी, फिर उसके बाद मैं हाई उधर की सियालकोट पुलिस को नहीं भूलूंगी और फिर हमारी जो आईओ जो हैं शहर बानो, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है और मेरिट पे फैसला किया है, क्योंकि जब ऐसे केसेस होते हैं तो आपको पता है मुलजिम की तरफ से बहुत सारी ऑफर्स होती हैं और फिर आईओ जो होते हैं ना वो लालच में आके केस को ख़राब करते हैं। तो मैं सल्यूट पेश करूंगी शहर बानो को, वो एक बड़ी अच्छी खातून है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहा है, उनके फैमिली में से बहुत करीबी कुछ लोग थे या उनके फैमिली फ्रेंड्स थे कुछ उस एरिया के जो बासर लोग थे वो उनको करते रहे हैं कि आप इसमें करें, इवन के कुछ वकील भी वो मुझे गाहे बगाहे बताती भी रही हैं कि मेरे साथ ऐसे हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि वो किसी भी तरह से किसी तरह के दबाव में नहीं आई हैं और उन्होंने इसका मेरिट पे रख के फैसला किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि केस की बुनियाद जो है ना वो पुलिस बना देती है, जब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जिमनियाँ बिल्कुल ठीक लिख देती हैं, उसमें चीज़ें मतलब ठीक ठीक लिखी जाती हैं, तो फिर आगे जाके कोर्ट में जो है वो हमें फेवर मिल जाती है। अगर जैसे कि ना हमारा एक केस है कोमल गुलजार का, तो सॉरी कोमल पत्रस का, तो उसमें ना पुलिस ने बड़ी अनफेयर इन्वेस्टिगेशन किया, जो हम कोर्ट में भी मतलब हम उलझे हुए हैं किसी तरह से, वो हम मतलब वो केस किसी अच्छा, अभी तक कितनी बच्चियों के केस आप लड़ रही हैं अभी तक? हमारे पास साजिद भाई टोटल जो केस चल रहे हैं वो 4 हैं, उसमें से 4 केस जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें से एक ये केस क्लोज हो गया, बाकी 3 को केस जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। एक केस जो है मैं सर उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, एक केस जो है उसका तकरीबन एक छोटी बच्ची है रेप केस है, उसका भी ये कोई 10-15 दिन के बाद डिसीजन आ जाएगा, उसमें भी सारी चीज़ें हमारी कम्प्लीट हो गई हैं। और उसके बाद जो केस क्लोज हो चुके हैं इसी ईयर में, इससे पहले वो एक जो शेखपुरा का केस था
मोटरवे पे जो ज्यादती हुई थी, जो शुरू में डॉक्टर जमील नासर ने उसको किया, फिर उसके बाद हम लोग उनके साथ कोर्ट में, जब कोर्ट में उनकी अपेयरेंस हुई है तो हम लोग कोर्ट में उनके साथ जाते रहे हैं, और फिर लास्ट पे आके जब वो भी डिसीजन के करीब था तो उन लोगों ने फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और बताए बगैर, मतलब हमें, हमारे नॉलेज में भी नहीं था, हमें ये कहा गया कि हम लोग, इन लोगों ने हमसे कहा कि हम लोग आज कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते क्योंकि बच्ची की अभी 2-3 दिन पहले शादी हुई है, तो डेट लेने के लिए। तो उसी दिन फिर हम लोग तो गए नहीं यहाँ से, तो वो लोग वहां पे आए और उन्होंने वहां से कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसके अलावा पिछले सालों में भी काफी सारी बच्चियों के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है और उनके लिए हम लोगों ने उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स स्टिल जो हैं अभी तक उनके साथ खड़े एंड तक लेके जा रहे हैं, ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें दरमियान में पेरेंट्स ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो मैं सबसे पहले साबर भाई को भी इसमें, मतलब मैं सल्यूट पेश करूंगी, वो बड़े डिस्टर्ब रहे हैं, जाहिर सी बात है जवान बेटी के साथ, या बेटियां बेटियां ही होती है, बेटी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए और फिर बाप ने बड़ी, मतलब दिलेरी का मुजाहरा किया, वो कोर्ट्स में जाते रहे हैं, लोगों की बातें भी सुनी है, और इवन दो कि हम लोगों ने भी लोगों से बहुत सारी बातें सुनी है। एक ना आम फहम सी एक वो मुहावरा है और कहावत है कि जब तक बच्चा रोए ना तब तक तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है, तो बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है दूध, जब तक बच्चा खेलता रहे तो माँ को नहीं पता होता कि मैंने बच्चे को दूध देना। तो आप जब तक नहीं बोलेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई भी आपकी आवाज नहीं बनेगा और आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो आपको दिलेरी दिखाने की जरूरत है, आप दिलेरी दिखाएं ताकि लोग आपके साथ खड़े हो सकें और हम इस माशरे में पिसे हुए लोग ना रहें, बल्कि हम बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम बराबर के हकूक अगर नहीं मिलते तो लेना जानते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मारिया आपका, तारिक गिल साहब आपका। और नाज़रीन, जिस तरह TMG फाउंडेशन का और पाकिस्तान की आला अदलिया का और मुस्कान की जो फैमिली है, साबर भाई, इन सब को मैं सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने मिलकर इस केस को आगे लेके चले, हिम्मत दिखाई, TMG फाउंडेशन ने हिम्मत दिखाई, तारिक गिल साहब साथ रहे, काफ़ी सारे थ्रेड आते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हक के लिए, अपनी कौम के हक के लिए आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के अदलिया का असेंबली फ्लोर पर भी मैंने बात की है इन केसेस को बारे में। असेंबली फ्लोर पर मैं तरीके अल्तवाए कार जमा करवाई हुई है इन चारों केसेस की, और कोमल की तब 3-4 दफ़ा इस मुस्कान की केस के तलक से की असेंबली फ्लोर पर मैंने जनाब स्पीकर से मैंने डिटेल में बात भी की है, राजा बशारत से मैंने बात की है, और इन बड़ी अच्छे तरीके से हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, तब जाके ये केसेस जो है ना कंप्लीट हुए। और मैं ये पार्लियामेंट में बैठे हुए अपनी कौम के लिए, कौम की आवाज़ हूँ, और मैं कभी भी किसी मजलूम को ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें, हम निपट लेंगे, नहीं। उन्होंने जब जो शख्स या जो बहन जो भाई मेरे पास आ गया, उसकी आवाज़ मैंने पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचाई है, जैसे सलीम कसूर में जो कत्ल हुआ था उसकी आवाज़ आपने देखी कि वो आज केस, वो भी हमारी फाउंडेशन के लोग ही लड़ रहे हैं, हमारी बाजी समेरा जो है वो ही, यानी कि उस दिन भी वकील है, और वो के वो लोगों ने एक हफ्ते के अंदर सुलहनामा भी पेश करके वो के बरी भी हो चुके थे, लेकिन दोबारा आज वो जेलों में, जेलों के अंदर बंद है। फिर उसके बाद अभी आपकी आपकी खबर से मैं एक बशीर मसीह का जो शख्स के अंदर ही उसके लिए मैं गया हूँ, मैं और मारियम गए हैं, और वो बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने उसके लिए भी अब आज जा रहा हूँ असम्बली यार, और खुदा के फजल से उनकी भी आवाज़ बढ़ूंगा। जिस तरह MP तारिक गिल साहब ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई, और मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चे के साथ जब ज्यादती होती है तो उन माँ बाप को भी एक कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो कदम उठाएंगे तो इस तरह जैसा TMG फाउंडेशन है, इस तरह के और भी NGOs हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ चलने के लिए उस फैमिली के साथ जिसके साथ बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है, उसको भी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर मुस्कान मसीह को इंसाफ मिल सकता है तो इसका मतलब हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटी को इंसाफ मिलेगा और मिलता रहेगा। ये मत ना भूलें कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा जिस तरह मुस्कान को मिला है, और हमारी और भी बच्चियाँ जिनकी सजाती की गई है उनको भी इंसाफ मिल सकता है अगर वो हिम्मत करके खड़ी होंगी सामने। तो मैं दोबारा पाकिस्तान की अदलिया को सल्यूट करता हूँ, TMG फाउंडेशन को, तारिक गिल साहब को, मारिया को, किस तरह ये हमारी मसीह कौम की बच्चियों के साथ शाना बशाना खड़ी रहें और उनको इंसाफ जरूर दिलाएं।
फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरामैन तारिक पर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।